तो ये देख रहा हो यार, ये बंदा पानी में नहाते नहाते बंदे को मारे पड़ा है, और जैसे हम इसको थोड़ा सा डैमेज देके नीचे आते कि हम उसे मारेंगे, वैसे हमें इधर एक बंदा दिख जाता है जो कटाना एकदम फास्ट तरह चला रहा था, जैसे कि हमें मार ही देगा, फिर इसका भी मत्था हम लाल कर देते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। और जैसे ही थोड़ा सा वुकोंग बन के आगे जाते हैं, वो बंदा दिख जाता है हमें, और उसे भी हम डैमेज देने की कोशिश करेंगे। किधर है इसको, तो हेड ही नहीं लग रहा है, क्या है, लग गया लग गया, डबल किल हो गया हमारा। और जैसे ही सेकेंड राउंड में आते हैं, वैसे हमें इधर दो दो बंदे दिख जाते हैं, और इसकी हम लेने की कोशिश करते हैं, समझ और रहे हो, दोनों को मार के हम जैसे समझ रहे हो ये भी आप, राउंड निकाल समझ रहे लेते हैं हो हम, कैसे हम बीच में क्या फंस बोले गए। तुम? ये बॉय और जैसे ही थर्ड राउंड में हम वुकोंग बन के इधर आ रहे होते हैं, हमें लगता है इधर बंदा होगा, पर इधर यहाँ पे ऊपर तो बंदा नहीं होता, पर नीचे तीन तीन बंदे घुसे पड़े होते हैं, जिसमें पहले को हम ऐसे करके बंदूक से डाउन करते हैं, सेकंड बंदा इधर आ जाता है, इधर भी हम इसको हेडशॉट से डाउन कर देते हैं, और ये हेडशॉट से डाउन हो जाता है, और थर्ड बंदा उधर होता है जो हमको लगता है रिवाइव कर देगा, पर हम इसे रिवाइव करने नहीं देते, और इससे हनी मार तीन बंदे डाउन हो चुके हैं, और चौथा बंदा बस रह रहा है, जिससे हमारा केस हो जाएगा। देखते हैं चौथा बंदा किधर है। जैसे थोड़ा सा इधर मुड़ रहे हैं हम, वैसे ही बंदा दिख गया, वैसे ही हमने इसको डाल के हमने अपना क्वार्टर किल कर लिया। और जैसे हम फिर नेक्स्ट राउंड में हम जाते हैं, नेक्स्ट राउंड में देखें, नेक्स्ट राउंड में हम बंदूक बंदूक लेके जैसे ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ने के बाद हमें पहला बंदा दिखता है, जिसको मैं हेडशॉट से, ग्रोजा से हेडशॉट मारूंगा, ग्रोजा से हेडशॉट मारती है डाउन, और जैसे हमारे साइड से कोई बंदा हमें मार रहा होता है, बंदा थोड़ा सा डैमेज दिया और बंदा बच गया, और उसकी तरफ हम जैसे ही जागते हैं वैसे तब तक ये डाउन हो जाता है। हमारा बंदा ग्रेनेड से ही बंदे को मार के बुया ले लेता, जिससे हम ये गेम जीत जाते हैं।